जहां पर देवती कर्मा हो सकती है उपचुनाव उम्मीदवार। दंतेवाड़ा उपचुनाव में से कांग्रेस की उम्मीदवार हो सकती हैं दीपक कर्मा और छविंद्र कर्मा ने भी इस पर सहमति जताई है। पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम सहमत हैं। दोनों बेटों ने यह बयान दिया है। जीत के बाद मां को बधाई भी देंगे। आपको बता दें कि पूरे समर्पण के साथ काम करने की बात दोनों भाइयों ने की है और चुनाव समिति की बैठक के बाद प्रभारी पीएल पुनिया और मोहन मनकाम ने दोनों भाइयों के साथ बैठक की है। बता दें आपको बड़ी खबर इस वक्त की, जिस चीज को लेकर लगातार मैराथन बैठक चल रही है रायपुर में, दंतेवाड़ा उपचुनाव सीट के लिए कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा और देवती कर्मा के नाम पर संभवतः पुष्टि हो सकती है क्योंकि दीपक कर्मा और छविंद्र कर्मा ने सहमति दे दी है और उन्होंने ये कहा कि जीत के बाद वो अपनी मां का साथ देंगे। आपको बता दें कि दंतेवाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार बन सकते हैं और छविंद्र कर्मा, दीपक कर्मा ने सहमति जताई है। पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम सहमत है, ये बात दोनों भाइयों ने की और जीत के बाद बधाई भी दी जाएगी। और हमारे साथ तो ज्यादा बातचीत के रायपुर से रूपेश गुप्ता जुड़ चुके हैं। रूपेश, जिस तरह हम देखें कि सुबह से मैराथन बैठक जारी है, दंतेवाड़ा उपचुनाव को लेकर लगातार यही मंथन किया जा रहा है कि आखिरकार दंतेवाड़ा सीट से उम्मीदवार कौन होगा और खबर यह भी आ रही है कि देवती कर्मा उम्मीदवार बन सकती है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी जी, ये सहमति मोटे तौर पर बन चुकी है कि शायद देवती कर्मा होंगी उम्मीदवार, हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है जी। इस बैठक में जो देवती कर्मा के दोनों बेटे हैं, स्वर्गीय महेंद्र कर्मा के दोनों बेटे छविंद्र कर्मा और दीपक कर्मा मौजूद थे और उसके बाद पीएल पुनिया और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने उनके साथ बैठक की। हमारे साथ छविंद्र कर्मा खुद मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ बैठक में तय हुआ। हम लोगों की 15 दिन पहले भी माननीय सीएम साहब और प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी के साथ मम्मी मेरी और हमारे बड़े भाई साहब की मीटिंग हो चुकी थी और जिसमें हम लोगों ने क्लियर कर दिया था कि आप किसी को भी कैंडिडेट बनाए, हमारा पूरा परिवार एक साथ मिलकर लड़ेगा और हम लोग तैयार हैं और आज भी वही बातें। तो ये चर्चा है कि देवती कर्मा जो आपकी माता है उनके नाम होगी तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तैयार हैं। तो आप लोगों को कोई पिछली बार क्योंकि विधानसभा चुनाव में आपने अलग से लड़ने की बहुत सारी बातें थी लेकिन हम लोग उस दौरान भी हमने विरोध भी करा था और उसके बाद जब हम लोग की मीटिंग हुई जो बातें थी उनको क्लियर करा, क्लियर करने के बाद हम जब काम करने लगे तो हमको जहां जवाबदारी दी गई थी हमने बहुत अच्छे से वहां पे लीड करा और इस बार भी हम लोग की तैयारी अच्छी है। हम लोग कल तक माननीय पीसीसी चीफ महोदय के साथ मैं, मम्मी और दीपक भाई हम लोग लगातार पूरे जिले का दौरा किए, कार्यकर्ताओं की मीटिंग लिए, पोलिंग बूथ की मीटिंग लिए और बहुत अच्छा रिजल्ट है और मैं समझता हूँ कि इस दौरान हम लोग जीत के आएंगे। आश्वासन मिला कुछ क्योंकि पिछली बार भी यही चर्चा थी कि इस बार मम्मी को लड़ने दो, अगली बार देखा जाएगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई और पहले भी नहीं हुई थी, हम तो क्लियरली बता दिए आप लोग परिवार को तय करिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, मतलब बाहर की कोई बात ही नहीं थी। अच्छा, ये भी चर्चा है इस बार की बाहर से भी कोई हो सकता है उम्मीदवार की अगर सहमति नहीं बनती है तो? नहीं, ऐसा कोई चर्चा तो नहीं हुई, बाकी वो पार्टी निर्णय करे, बट ये है कि हम लोगों की जो चर्चा हुई थी पहले भी और आज भी कि परिवार में आप किसी को भी दे, कोई दिक्कत नहीं। तो आज की बैठक में कोई बात आगे बढ़ी, कब तक घोषणा हो जाएगी, क्या हो? वो पार्टी के ऊपर है। तो कुछ और बातचीत आप लोगों से? नहीं नहीं, बस वहाँ की लोकल जो तैयारियों को लेकर पार्टी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि बहुत जल्दी आएंगे और सारे टीम आके वर्किंग चालू कर देंगे। तो ये जो बातचीत होगी, ये जो चर्चा होगी, इस चर्चा के बाद जो भी नाम घोषित होगा, कुछ ये भी चर्चा है कि चूंकि एक महिला उम्मीदवार भाजपा ने खड़ा किया है तो उसके काउंटर में महिला ही खड़ा करना ठीक रहेगा, व्यक्तिगत तौर पे क्या सोचते हैं आप? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो अलग है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे पोलिंग बूथ थे जहाँ पे वोटिंग नहीं होता है, नहीं के बराबर है, तो वो भी चुनौती है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो हर कैंडिडेट्स के लिए चुनौती है। दूसरा, लोकल जो होना वो भी मायने रखता है। तो ये इलेक्शन किस तरह से फाइट देखते हैं इसमें? ना, फाइट में तो हम लेते भी नहीं है, ठीक है, चुनाव मतलब पिछली बार जरूर हार गए थे और ये हम लोग कोई पिछले इलेक्शन भी जो हारे
बीजेपी जीती है ऐसा नहीं था। हम लोग का जो गांव क्षेत्र था, हमारा जो बेल्ट था, हम लोग अपने पोलिंग बूथ में ही चुनाव हार गए थे। रूपेश क्या लगता है जिस तरह जो छविंदर अपने बयान दे रहे हैं, जिस तरह बात कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि 21 सौ बहुत कम मार्जिन से कांग्रेस हारी थी, तो सवाल ये भी उठता है कि 2100 के कम मार्जिन से वो हारी थी। और साथ में एक सवाल ये भी उठता है, उनसे पूछ सकते हैं कि क्या जो हम बात करें जो बीजेपी भी मंडावी की पत्नी को उतारने की तैयारी में चल रहे हैं, तो ये भी एक चुनौती भरा फैसला हो सकता है, क्योंकि पिछली बार उन्होंने बगावती सुर भी दिखाए थे। हम कर्मा भाइयों की बात करें, उन्होंने अपनी माँ के प्रति बगावती सुर दिखाए थे, इसके कारण इतना 2100 का कम मार्जिन से हार का सामना करना पड़ा, यह भी एक सवाल हो सकता है। देखिए अपना सवाल दोहराइएगा। जिस तरह हम बात कर रहे हैं पिछले चुनाव की, उस चुनाव में बहुत कम मार्जिन के साथ यानी कि 2100 वोटों से हार की शिकस्त करनी पड़ी थी कांग्रेस को। ऐसे में क्या लगता है कि इस बार भी वही बगावती सुर अगर नजर आते हैं तो क्या लगता है कि इस बार भी हार का मुंह देखना पड़ेगा, या फिर इस बार बेटे साथ में आ गए तो इस बार बाजी कुछ पलट सकती है? देखिए अभी तो फिलहाल इस पर भी कुछ बोल सकता है, कैसे बोल सकता है जब कैंडिडेट ही तय नहीं हुए हैं, तो नतीजों पर कैसे चर्चा की जा सकती है। लेकिन ये पिछला चुनाव बहुत ज्यादा टफ था, कुछ हजार से ही चंद हजार से निर्णय हुआ था, और ऐसी स्थिति में ये माना जा रहा है कि दोनों ही पार्टियों के लिए चुनाव बहुत टफ होने जा रहा है। अभी फिलहाल जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उनसे हमने बातचीत की, उनका साफ तौर से कहना है कि अभी बहुत टफ चुनाव होने वाला है। कंपैरेटिवली वो चित्रकूट के चुनाव को ज्यादा इजी मान रहे हैं, लेकिन दंतेवाड़ा के चुनाव को टफ इसलिए माना जा रहा है क्योंकि वहां पे जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे उनकी मौत हुई, उनकी हत्या कर दी गई। तो कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि संकेत दे रही है कि उनकी पत्नी को चुनाव में खड़ा करेगी, तो सिंपैथी वोट उनके पास होगा। और छविंद्र कर्मा से तमाम हमने जो सवाल पूछे, उस सवाल में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह था कि आप बताइए कि महिला को सिंपैथी वोट जो मिलेगा उसके काउंटर में महिला को खड़ा करना क्या कांग्रेस ऐसा नहीं है? यानी कि साफ तौर से वो ये भी संकेत दे रहे हैं कि देवती कर्मा को टिकट मिले तो ठीक है, लेकिन उनकी दावेदारी भी पूरी तरह से खारिज नहीं हो रही है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण संकेत है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस ये मान के चल रही है कि चूंकि महिला सामने होगी इसलिए महिला को ही इधर से खड़ा करना ठीक रहेगा, और कांग्रेस भवन में आकर के दोनों भाइयों ने जो एकता दिखाई है, एक साथ खड़े हुए हैं और कहा है एक सुर में कि किसी को भी टिकट दिया जाए परिवार से, सबका सपोर्ट रहेगा, वो कांग्रेस के लिए राहत की बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश इस जानकारी को साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य एवं पंचायत